पुलिस प्रशासन के दबंग ऑफिसर सीओ सिटी आदित्य पुनिया की बड़ी कार्यवाही। आईपीएल में सट्टा लगाते हुए तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलवर में आज शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत आईपीएल पर सट्टा लगवाते हुए पुलिस व क्यूआरटी की टीम ने तीन अपराधियों को पकड़ा। पुलिस को उनसे 1.5 करोड़ रुपए के अधिक का हिसाब व 2,05,000 नकदी, 16 मोबाइल, 2 लैपटॉप सहित एक एलईडी मिली। सीओ सिटी आदित्य पुनिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलते ही शिवाजी पार्क इलाके में एक मकान में रेड की गई, जिनमें तीन लोग हरीश कुमार, हनी ग्रोवर, भरत लखानी और आईपीएल पर बैटिंग करवाते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया तीनों आरोपी लंबे समय से क्रिकेट सट्टा के कार्य में लिप्त हैं। हरीश कुमार व भरत लखानी अलवर, हनी हरियाणा का निवासी है। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच की जा रही है। सर बताइए किस तरह की कार्रवाई आईपीएल के ये इस साल जब से आईपीएल शुरू हुआ है उसके बाद से हमें कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि अलवर में इस तरीके की आईपीएल पे सट्टेबाजी की जा रही है। एसपी मैम के सख्त निर्देश थे कि जल्द से जल्द और बड़ी से बड़ी एक ऐसी कार्रवाई की जाए जिसमें इस प्रकार के जो सट्टेबाज हैं, जो बुकीज हैं, उनके हौसले पस्त हो जाएं और इस तरीके की जो गलत गतिविधियाँ हैं वो हमारे अलवर में ना चलें। उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें कल एक मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई कि शिवाजी पार्क में इस तरीके की एक मकान में आईपीएल की सट्टेबाजी का कुछ एक ऐसे गैंग मिलकर वहाँ पर काम कर रहा है। उसी पर हमने तुरंत टीम बनाई, हमारी शाम से ही प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। टीम में मैं था, मेरे साथ क्यूआरटी की टीम थी और शिवाजी पार्क थाने की टीम थी। हमने शिवाजी पार्क के घर में रेड किया। वहाँ पर रेड में हमने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उन तीन व्यक्तियों के पास ऑन द स्पॉट जिस दौरान मैच चल रहा था राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का, उस मैच के दौरान वो बैटिंग करवा रहे थे लोगों से, उनके पास फ़ोन आ रहे थे। कुल 16 मोबाइल उनके पास से मिले। 16 मोबाइल के अलावा 2 लैपटॉप भी उनके पास मौजूद थे जिस पर वो काम कर रहे थे और साथ ही एक LED TV था जिस पर मैच का सीधा प्रसारण हो रहा था। और जो 16 मोबाइल थे वो सभी एक्टिव थे, वो सभी अपने काम में वो ले रहे थे। इसी के साथ साथ हमें वहाँ पर मौके से 2,05,000 कैश भी बरामद हुआ है, जो उनके विभिन्न ग्राहक जिनको वो आईपीएल की सट्टेबाजी करवाते हैं उनसे उन्होंने प्राप्त किया था और उनके पैसे वो लगवा रहे थे मैच पर। उसके साथ साथ जब हमने मुकदमा दर्ज करने के बाद जो उनके लैपटॉप्स के बारे में अंदर से जांच पड़ताल की तो हमने पाया कि कुल मिलाकर अभी तक आईपीएल का सीज़न शुरू होने के बाद इन लोगों ने टोटल मिलाकर 1.5 करोड़ से ऊपर का जो लेन देन है, जो सट्टा है, हिसाब किताब का पूरा ब्यौरा हमें उनके लैपटॉप में मिला। तीन व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए ऑन द स्पॉट जो वहाँ पर कार्रवाई कर रहे थे। इनमें एक का नाम है हरीश कुमार, दूसरा है हनी ग्रोवर और तीसरा है भरत लखानी। ये तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने ये इनमें से जो हरीश है और जो भरत है वो यहाँ अलवर के रहने वाले हैं और ये हनी बाहर का हरियाणा का रहने वाला है। ये बहुत दिन से, मतलब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तब से ही कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बताया कि ज़्यादातर इन्होंने जो सट्टा खिलाया है वो अपने राजस्थान से बाहर रहकर खिलाया, दिल्ली नोएडा में रहकर खिलाया। अलवर में कल इनका पहला ही दिन था, हालांकि अलवर या फिर बाहर के ग्राहकों को भी ये खिलाते थे लेकिन अलवर में बैठकर खिलाने का कल इनका पहला ही दिन था। हमारी इन पर नज़र पहले से थी, हम ट्रेस आउट कर रहे थे। कल ही इन्होंने अलवर में अपने पैर जमाने की कोशिश की और हमने तुरंत कार्रवाई कर दी।